दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको यह बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से विशेष नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक एक्शन और स्टंट से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रेटेन वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको यह बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से
मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसू जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलती हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रेक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रेटेंट बारे सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्यु जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमीन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्यु जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसू जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा
बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजेंद्र सिसकर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेक जीतेगा तो
जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटर्न वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, क्रैक जीतेगा तो जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है।
और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से विशेष नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म
के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेग को आलोचकों से मिश्रित नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसू जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रेग को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा। रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग एक्शन और स्टंट से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रेग एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रेटेंट बारे सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेग जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेग को क्रेग लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्यु जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमीन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्यु जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेग को आलोचकों से मिश्रित नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के
देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु, जेक के रूम में और कैलाश पालाजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरेक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रेक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में, कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजेंद्र सिसकर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु, जेक के रूम में और कैलाश पालाजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रेक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेक जीतेगा तो
जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, क्रैक जीतेगा तो जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है।
और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेड बनाने सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से विशेष नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेड बनाने सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म
के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेग को आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसू जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रेग को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा। रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग एक्शन और स्टंट से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रेग एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रेटेंट बारे सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेग जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज के वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेग को क्रेग लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्यु जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमीन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्यु जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेग को आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के
देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु, जेक के रूम में और कैलाश पालाजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरेक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रेटेड वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजेंद्र सिसकर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु, जेक के रूम में और कैलाश पालाजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रेक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेक जीतेगा तो
जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, क्रैक जीतेगा तो जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे
14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है। 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको यह बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिश्रित नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक जीतेगा तो जिएगा। रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक एक्शन और स्टंट से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटर्न वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है। 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको यह बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से
मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रेक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रेटेंट बारे सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्यु जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमीन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्यु जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा
बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजेंद्र सिसकर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेक जीतेगा तो
जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन और स्टंट से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की, लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटर्न वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, क्रैक जीतेगा तो जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन और स्टंट से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की, लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते
तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटेंट बारे सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिश्रित नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटेंट बारे सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से
मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसू जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलती हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रेक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रेटेंट बारे सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्यु जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमीन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्यु जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसू जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा
बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरेक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजेंद्र सिसकर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेक जीतेगा तो
जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की, लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटर्न वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, क्रैक जीतेगा तो जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की, लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटर्न वाले सबसे
14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको यह बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिश्रित नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रेटेन बारे सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको यह बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से
विशेष नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसू जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलती हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रेक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रेटेंट बारे सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्यु जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमीन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्यु जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से विशेष नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसू जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा
बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरिक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजेंद्र सिसकर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेक जीतेगा तो
जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली है 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, क्रैक जीतेगा तो जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है।
और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेड वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिश्रित नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेड वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म
के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेग को आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसू जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रेग को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा। रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग एक्शन और स्टंट से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रेग एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रेटेंट बारे सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेग जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेग को क्रेग ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्यु जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्यु जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेग को आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के
देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु, जेक के रूम में और कैलाश पालाजा बालून मैन, और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुक्मणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है, और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरेक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की, लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रेक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में, कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में, और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजेंद्र सिसकर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में, और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता, और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु, जेक के रूम में और कैलाश पालाजा बालून मैन, और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुक्मणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रेक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, क्रेक जीतेगा तो
जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटर्न वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, क्रैक जीतेगा तो जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटर्न वाले सबसे
14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है। 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको यह बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिश्रित नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटर्न वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है। 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको यह बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से
मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलती हैं पूजा सावंत और रुकमणि मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरिक एक्शन स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रेक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रेटेंट बारे सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्यु जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमीन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्यु जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार्ग के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूप में जेमी लीवर और माइकल अवे ओवसु जेक के रूप में और कैलाश पाल आजा
बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रिक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेग जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा केरेक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रेक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में। कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली 10 out of 6.5 की और रेटेंट वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक विद्यु जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रेक जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज स्टूडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रेक को क्रेक लिव टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रेक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्यु जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजेंद्र सिसकर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियों में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्म मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्यु जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने, और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंडोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रेक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रेक जीतेगा तो
जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन और स्टंट से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की, लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रिक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटर्न वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही, आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और मोहिंदर प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से मिसिस नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, क्रैक जीतेगा तो जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है, जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्न में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, केरिक एक्शन और स्टंट से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की, लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 से 2 रेटिंग दी और लिखा, भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटर्न वाले सबसे
14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत जामवाल की नई रिलीज एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रैक, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों क्रैक को क्रैक ल्यू टू लाइव के नाम से भी जाना जाता है 2024 की हिंदी भाषा की एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। यदि आपको स्पोर्ट एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर विद्युत जामवाल की मूवी देखना पसंद है तो आपको यह बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे आदित्य दत्त और लिखा भी था उन्होंने ही आदित्य दत्त और रेहान खान, सरीम मोमिन और महेंद्र प्रदीप प्रताप सिंह ने। और एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जामवाल इस मूवी में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के नाम से भी इस मूवी को जाना जाता है। क्रैक को आलोचकों से विशेष नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17.8 करोड़ के तक की कमाई की थी और इसकी टोटल लंबाई 154 मिनट की थी। कहानी के आधार की बात करें इस मूवी के तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान होता है। अपने खोए हुए भाई निहाल दीक्षित के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत उत्तरजीविता खेल प्रतियोगिता मैदान में उतरता है। कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल आजा सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में और देव के रूप में आपको अर्जुन रामपाल, आलिया के रूप में नोरा फतेही और एमी जैक्सन पेट्रिसिया नोवाक के रूप में और सहायक भूमिका देखने को मिलते हैं सिद्धू के पिता के रूप में राजन सिस्कर और सलाका पवार सिद्धू के माँ के रूप में और अंकित मोहन आजा निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई और विजय आनंद मार के देव के दत्तक पिता और जुनेद के रूम में जेमी लीवर और माइकल अवे ओबसु जेक के रूम में और कैलाश पाल आजा बालून मैन और रोम रोम गाने में कोमियो में आपको देखने को मिलते हैं पूजा सावंत और रुकमणी मैत्रा। उत्पादन की बात करें तो फिल्मांकन की बात करें तो अपने प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जामवाल इस फिल्म पर आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं किया है उन्होंने और जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है और शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थी। कास्टिंग की बात करें जैकलिन फर्नांडिस को जामवाल के साथ जोड़ा जाना था लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही को लिया गया था। इस मूवी में लगभग 6 गाने हैं। इस मूवी के गानों को कंपोज किया है तनिष्का बागची ने और MC स्क्वायर और विक्रम मंटोर्स ने और कई लोगों ने। साथ ही बात करें रिलीज की तो क्रैक को 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था, बाद में इसको OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। बात करें इस मूवी के रिव्यू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर शानदार है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया की एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि इसकी पुनर्निर्माण में ट्रॉप्स पर निर्भरता और खुद कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है। और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के गणेश एग्लवेन ने मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा क्रैक एक्शन और स्टैंड से भरपूर है लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि इसके एक्शन सीक्वेंस कॉन्सेप्ट और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के लिए की लेकिन इसके स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना भी की। और पिंक विला के रिसिल जोगानी ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफलता होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में कुल मिलाकर आपको इस मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली आने से 10 out of 6.5 की और रिटर्न वाले सबसे 14% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 92% की लाइक मिली हुई है।